कर लेंगे, ठीक है यहाँ तक। तो इसको कंप्लीट करते हैं। अब ये जो रिजल्ट है ना, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड पी, तो इसमें करना क्या है, ये इस रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड पी वेक्टर ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मतलब अगर ये सर्कल है, इसके सेंटर एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर आपको बी निकालना है और ये करंट कैरिंग वायर है। आपको लगता नहीं ऐसा डायग्राम भी देखा हुआ है कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज्ड रिंग, चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस पे ई निकालना है। ये क्या है, ये एक करंट कैरिंग वायर है, उसके एक्सिस पर बी निकालना है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो मिलता जुलता रिजल्ट है, पर इसमें क्या लिखा हुआ है, रेफर कौन सी, एनसीईआरटी। तो खोल लो, एनसीईआरटी में आएगा ये फॉर्मूला प्रूव करने को। ये लो, हाँ नीचे नीचे, देखो तो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट कैरिंग वायर है, उसके एक्सिस पे हमें बी निकालना है। तो ये जो रिंग है जिसमें करंट है उसमें आई करंट है और रेडियस क्या है, कैपिटल आर रेडियस है, इसके एक्सिस से आपको क्या निकालना है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर बी निकालना है। इस डायग्राम को एक मिनट के लिए अगर आप छोड़ दें, और क्योंकि ये डायग्राम कैसे बना उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को या बी वेक्टर को या बायट सेवर्ट लॉ याद करें, तो आपको बताया गया था कि जो डी बी है उसका वेक्टर फॉर्म क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू, ये फॉर्मूला था डी बी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो ये समझ में आता है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देगा, डी बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। यूज क्रॉस प्रोडक्ट का क्या रूल था कि अगर ये वाली टर्म आई कैप है, ये जे कैप है, तो पक्की बात है आंसर किस में आएगा, के कैप में आएगा। मतलब कि अगर कोई वायर पड़ी हुई है, जैसे ये वायर है डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, और आप आर डिस्टेंस दूर क्या निकालना चाहते हैं, बी की डायरेक्शन, क्योंकि डी एल इस प्लेन पे है, आर वेक्टर भी इस प्लेन पे है, तो बी वेक्टर इस प्लेन पे कभी नहीं आएगा, आउट ऑफ प्लेन आएगा या इनसाइड प्लेन आएगा, यानी कि थर्ड प्लेन में आएगा। जैसे अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो बी वेक्टर जेड एक्सिस में ही आएगा, जैसे मान लो एक्स है ये वाई है तो जेड एक्सिस में आएगा। क्लियर है यहां तक? ऐसा हमने किया अभी, तभी तो वो थंब लगा के या इनसाइड आ रहा है आंसर या आउटसाइड आ रहा है। क्लियर है यहां तक? तो इसमें उल्टा ये भी तो हो सकता है
कि अगर मान लो डीएल डीबी और डीबी और डीएल एक प्लेन में है, मान लो डीबी और डीएल एक प्लेन में है, तो फिर आर वेक्टर उस प्लेन में आएगा, आउट ऑफ या इनसाइड प्लेन में चला जाएगा, मतलब एक वेक्टर तीनों में से आउट ऑफ प्लेन होना ही होना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जैसे अगर एक्स वाई प्लेन है तो बी वेक्टर तो जेड एक्सिस में आना ही आना है। या मैं ये भी बोल सकता हूं इसमें, वो क्या कि अगर सपोज करो, लेट अस सपोज, देखो मान लो हमारे पास डीएल वेक्टर आउट ऑफ प्लेन है, यानी आउट ऑफ प्लेन का मतलब मान लो के कैप है, बोर्ड के बाहर है, पक्की बात है डीबी और आर वेक्टर फिर बोर्ड के ऊपर ही बनने वाले हैं। क्या ये रूल समझ में आया यहां तक? ठीक है यहां तक? यानी कि अगर मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं ये के कैप है, फिर यानी कि ये आई और जे एक्स वाई प्लेन में काम करेंगे, या ये आई होगा या जे होगा या जे होगा आई होगा, कुछ में से ऐसा होगा। समझ में आ रहा है यहां तक? तो दो वेक्टर एक प्लेन में, तीसरा आउट ऑफ प्लेन जाएगा, ये समझ में आता है। एंड ये भी समझ में आता है कि अगर सपोज करो ये डीएल वेक्टर आउट ऑफ प्लेन है ना, जो डीएल वेक्टर है ये आउट है ना, बोर्ड के बाहर है, तो ये दोनों बोर्ड के ऊपर है एंड आपस में 90 डिग्री पे होंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आता है, वो रिजल्ट आता है, वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर ही आता है। ये भी समझ में आता है कि जो डीबी वेक्टर है वो डीएल के भी परपेंडिकुलर है और वो आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर ही है। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, ओके। अब इसमें चलते हैं फिर इस रिजल्ट पे। तो इस रिजल्ट में जैसे सपोज मेरे को एक मान लो सपोज मेरे को क्या गिवन है, एक रिंग गिवन है। रिंग क्या? एक रिंग है जिसमें करंट कैरिंग रिंग है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है, ठीक है, आई अमाउंट ऑफ करंट है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। और मुझे इसके इसमें इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर बी निकालना है, ठीक। अब मैं क्या लूंगा, क्योंकि मैं सीधा तो बी निकाल नहीं सकता, मेरे को क्या लेना होता है? स्मॉल एलिमेंट। तो चलो स्मॉल एलिमेंट ऐसे केस में क्या लेते हैं रिंग में? डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स में लेते हैं। तो मान लो एक एलिमेंट ये रहा, ये रहा डीएल वेक्टर। ये डीएल वेक्टर कहां पे आ रहा है मालूम है? आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, ये प्लेन के बाहर आ रहा है, क्योंकि रिंग आपकी ऐसी है ही नहीं, ये रिंग ऐसी नहीं है, ये रिंग ऐसी है, आपको इसके एक्सिस पे बी निकालना है। तो अगर ये रिंग मैंने ऐसे ड्रॉ की, ये लो बोर्ड के बाहर निकाल लिया, करंट इसमें ऐसे है, तो डीएल वेक्टर ऐसे है, तो ये डीएल वेक्टर कहां आ रहा है? बोर्ड के बाहर आ रहा है, ये इमेजिन कर पा रहे हो? तो डीएल वेक्टर बोर्ड के बाहर है, आउटसाइड है, राइट। तो अगर डीएल वेक्टर बोर्ड के बाहर है और ये पूरा बोर्ड दिख रहा है आपको, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे बी निकालना कहां पे है। मुझे यहां पर जो बी निकालना है वो यहां निकालना है, ये निकालना है, तो ये क्या बनेगा मेरा? आर वेक्टर। तो ये क्या हुआ? आर वेक्टर। ये क्या हुआ? डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर बोर्ड के बाहर है, आर वेक्टर बोर्ड के ऊपर है। बोलो एंगल कितना है इनके बीच में? 90। डीएल और ये पूरा, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, दोनों के बीच में एंगल तो यहां पर 90, क्योंकि प्लेन ही अलग है ना, ये एक्स वाई प्लेन है, ये जेड प्लेन है, तो 90। क्लियर है यहां तक? तो डीएल और आर में याद रखना एंगल क्या है? 90। अब क्योंकि ये रेडियस, ये जो रेडियस है ये कैपिटल आर है ना, ये जो है ये कितना है, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो ये जो वैल्यू है कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? आपको बी कहां निकालना है? आपको बी यहां निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, बी वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी, डीबी आएगा रादर, बी नहीं बोलना चाहिए, डीएल की वजह से डीबी आएगा, डीबी वेक्टर की जो डायरेक्शन है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो डीबी वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी आएगी? आप कहेंगे वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आर वेक्टर, डीबी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर आपस में 90 पे है। मैं भी तो वही बोल रहा हूं, ये देखो डीएल वेक्टर बोर्ड के बाहर गया,
आर वेक्टर और डीवी वेक्टर बोर्ड के ऊपर है और आपस में एंगल क्या बन रहा है इनमें 90। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर देखो डीएल वेक्टर बोर्ड के बाहर गया तो फैसला क्या हुआ था, आर वेक्टर एंड डीवी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होंगे और एक प्लेन में होंगे, ये एक प्लेन में भी हैं और आपस में परपेंडिकुलर, तो डीवी की जो डायरेक्शन आएगी वो ऐसी आएगी। क्लियर है यहां तक? सिमिलरली ये क्लियर है यहां तक? फिर से हाँ या ना यशिका? ठीक, तो इसके अंदर फिर से ये मान लो फिर से सेकंड डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है, तो सेकंड एंड में फिर से एक बार यहां पर डीएल कहां जा रहा है बोर्ड के अंदर, तो यहां पर जो डीबी बनेगा ओ यहां पे तो यहां पे जो डीबी बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा यानी कि इसके परपेंडिकुलर। क्लियर है यहां तक? तो ये परपेंडिकुलर, कोई डाउट इसमें? मतलब इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर डीबी, इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर डीबी। क्लियर है यहां तक? अब आगे इमेजिन करो यहां पे ये जो एंगल है, इमेजिन करो ये जो एंगल है कितना है थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, बाइसिमेट्री थीटा। तो ये बताओ कि अगर मैं इमेजिनरी एक यहां पे परपेंडिकुलर लूं कुछ ऐसा है ना, इमेजिनरी परपेंडिकुलर ले रहा हूं मैं, ये देखो ऐसे ये ले लिया राइट, ठीक है यहां तक? तो आप मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में अगर ये थीटा है, ये और ये 90 पे है, तो बोलो ये एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा राइट। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये और ये भी तो 90 डिग्री पे है, तो ये एंगल क्या बनेगा थीटा। सिमिलरली अगर ये थीटा तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या बनेगा थीटा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? थीटा एंड थीटा क्लियर है? ठीक, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करते हैं और फिर वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ढूंढते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 2D में था, पूरा सब कुछ बोर्ड पे बनता था, इसमें एक वेक्टर आउट प्लेन बनेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये देखो, तो इसके अंदर ये देखो सेम डायग्राम, तो इस डायग्राम में रादर ये इसकी जगह ये डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम, तो इसकी जगह ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये एंगल थीटा 90 माइनस थीटा तो थीटा, यहाँ से ये थीटा 90 माइनस थीटा तो थीटा, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर डीबी, इस डीबी के दो कॉम्पोनेंट डीबी कॉस डीबी साइन, ऐसे इस डीबी के दो कॉम्पोनेंट डीबी कॉस डीबी साइन, कॉस और कॉस कॉम्पोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल। तो दो एलिमेंट्स लिए अभी, दो एलिमेंट्स ने बी कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया डीबी साइन डीबी साइन, अगर चार एलिमेंट लेते तो चार डीबी साइन थीटा, अगर एक एलिमेंट लेते तो सिर्फ एक डीबी साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे एक डीबी साइन थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन पूरी रिंग के लिए, तो टोटल बी कैन बी कैलकुलेटेड, बाकी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही है। तो डीबी है कितना वो देख लें, डीबी की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन 90, बताया ना डीएल और आर में एंगल क्या बनेगा 90 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो आपके पास ये डीबी आ गया साइन थीटा और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, सब कॉन्स्टेंट है, लेंथ डीएल में चलेगी, तो पूरी लेंथ कितनी है रिंग की 0 से लेके 2 पाई आर, तो यहां से 2 पाई आर पुट करेंगे और साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी कैपिटल आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो साइन थीटा की जगह कैपिटल आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर इज टू पावर 3/2 और पाई आर स्क्वायर क्या होता है एरिया, इसको बॉक्स में डाल लें, ये बाद में करेंगे पहले यही देखेंगे, इसको बॉक्स में डाल लें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक, तो बी की वैल्यू आ गई, तो आप इसमें वापस अगर मैं शीट पे चलूं अपनी, तो मैंने प्रूफ तो यहां नहीं लिखा, मैंने प्रूफ तो एनसीईआरटी में लिखा, लेकिन जब आप कंपटीशन तैयारी करोगे फॉर्मूलाज की लिस्ट कहाँ से बनाओ यही देखोगे, डायग्राम वही लिख लिया मैंने, तो डीबी का जो बी का फॉर्मूला आया मैंने लिख दिया,
म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई बाई ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज टू पावर 3/2। तो इसमें एक रिजल्ट है, अगर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आपको भी यहां ना निकालते हुए सेंटर में निकालना होता, सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या पुट करते, जीरो। तो सेंटर के ऊपर स्मॉल आर की वैल्यू जीरो, ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल आंसर। तो क्लियर है यहां तक? तो सेंटर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर के ऊपर बी का फॉर्मूला इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय रेडियस ए, जो भी सर्कल का रेडियस है ए आंसर। उससे भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने अभी ये कितने टर्न्स का रिंग लिया, एक। अगर मैं दो टर्न्स लूं तो करंट कितनी बार घूमेगा, दो बार, तो दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा दोनों इस तरफ, तो नेट आंसर 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर तीन बार करूंगा रिंग को, तीन बार करंट को घुमाऊंगा तो नेट आंसर 3 टाइम हो जाएगा, और एन टाइम घुमाऊंगा तो नेट आंसर एन टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए जितने टर्न्स घुमाते हो आप क्वाइल में, मैग्नेटिक फील्ड भी उतने टाइम हो जाता है। तो इसीलिए जहां बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, वहां करंट बढ़ाने की जरूरत क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ही बढ़ा दो। जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बहुत बढ़ा देते हो, बहुत स्ट्रांग मैग्नेट बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, यही तो है। आप एक वायर लो, सेल से कनेक्ट करो, सिंगल वायर लोगे, छोटा मैग्नेटिक फील्ड है, उसको 100 टर्न में घुमा दो, बहुत स्ट्रांग मैग्नेट की तरह काम करेगा, वो बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है सबको? यस। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, सेंटर पे आर जीरो क्यों लिया है? सेंटर पे सोचो ना, सेंटर के ऊपर अगर जाना है तो छोटा आर जीरो नहीं होगा, तभी सेंटर पे आएगा ये पॉइंट। ओके सर। फिर से हम, नहीं, मैं कह रहा हूं अगर एक सिंगल लूप है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला, और अगर आपने दो टर्न्स ले लिए, एन टर्न्स ले लिए, तो इसको रिजल्ट को एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे उसको भी कर दो, अगर आपने यहां पे बी निकालना है और यहाँ एन टर्न्स हैं तो ये रिजल्ट भी एन से मल्टीप्लाई होगा। देखो मतलब जितने भी सर्कुलर लूप्स हैं उसको बार बार घुमाएंगे तो रिजल्ट एन टाइम मल्टीप्लाई होगा ही होगा। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक है। और डायग्राम तो बता ही दिया इसमें, बी का डिस्टेंस के साथ, एक्सिस के साथ कैसे वेरी करेगा, ये आप याद कर लेना। एक क्वेश्चन था हीटिंग इफेक्ट में, ये वाला।